लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्टिविटी के तहत कोलडीहा स्थित सुभाष बीएड कॉलेज में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यहां पर्यावरण सुरक्षा के लिए 25 फलदार पौधे लगाए गए हैं। बताया गया कि पूरे झारखंड प्रदेश में लायंस क्लब के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह ने कहा कि क्लब ने इसके पहले भी हजारों पौधे लगाए हैं। इन्होंने कहा कि इनका क्लब तमाम सामाजिक कार्यों के प्रति सजग है। क्लब के कार्यक्रमों में इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के कार्य को प्राथमिकता दे रखा है। कार्यक्रम में अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, डॉक्टर सुमन कुमार, विकास गुप्ता सहित क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। लायंस क्लब ऑफ ग्रेडी एलीट के तरफ से सुभाष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रांगण में हमारे नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सिद्धार्थ मजूमदार के आह्वान पर झारखंड के डिस्ट्रिक्ट 322 के सारे क्लबों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत हमारे क्लब ने भी सुभाष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के कार्य प्रांगण में 50 फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। एवं आगे भी पर्यावरण के लिए हम लोगों का लक्ष्य है कि हमेशा ये कार्यक्रम को चलाते रहें। 1 तारीख को लायंस क्लब ऑफ ग्रेडी एलीट के द्वारा सुभाष पब्लिक स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वन एक्टिविटी वन के तहत में ये कार्यक्रम को करवाया गया। हमारे क्लब के सारे लोग, परमजीत सिंह छाबड़ा जो हमारे चार्टर्ड मेंबर हैं, राजेश गुप्ता जो प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ ग्रेडी एलीट के हैं, और डॉक्टर सुमन, धर्म प्रकाश, दशरथ प्रसाद, विकास, और इन लोग के सहयोग से आज यहाँ वृक्षारोपण किया गया। आज सुभाष ट्रेनिंग स्कूल के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ ग्रेडी एलीट के तहत डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स लायन सिद्धार्थ मजूमदार के आह्वान पर आज मेगा ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम के तहत इस प्रांगण में हमारे लायन साथियों के सहयोग से यहां पे फलदार वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया।